बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी, जो बहुत ही क्विक और इजी बन जाता है और सिर्फ 2 अज्जा से ही तैयार होता है। ये हमारे बहुत से मीठों में शामिल होता है, जैसे कि केक रेसिपीज़ में, डिज़र्ट्स में, आइसक्रीम वगैरह में। लेकिन ये बाहर से हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और घर में अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कम कॉस्ट में पड़ेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये मैंने 1/2 kg मिल्क लिया है, ये फुल फैट है। आप इसको किसी भी मिल्क में बना सकते हैं, फुल फैट मिल्क होना ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने 1/2 kg मिल्क लिया है। इसके अलावा 1 कप दानेदार चीनी ली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली नई रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पहले से, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इसके लिए लिया है एक हैवी बॉटम पैन लेना है आपको, जिसका पैंदा थोड़ा मोटा हो, और खुला बर्तन चाहिए हमें इसके लिए, क्योंकि जब हम मिल्क को बॉयल करेंगे तो इसके बॉयल होने का, उबलने का खदशा है, तो इसलिए हम इसको बड़े बर्तन में पकाएंगे। तो ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिए, और इसके अंदर हम मिल्क शामिल करेंगे, 1/2 kg जो हमने लिया है ये मिल्क शामिल कर दिया, और इसी के साथ हम इसमें अपनी ये दानेदार चीनी ऐड कर देंगे जो हमने 1 कप ली है, और इसको डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारे मीठे तैयार करने हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इस रेसिपी को याद कर लें ताकि ये आगे आपके काम आ सके। ये देखें बॉयल आ चुका है, अब हम इसको स्टर करेंगे। आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पर भी पका सकते हैं, आप इसको हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, लेकिन सबकी कंडीशन अलग अलग है। अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो ये उबलेगा नहीं और ये आपके कंट्रोल में रहेगा, और अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इसको उबलने का खतरा रहेगा कि ये अचानक उबल ना जाए। तो मैं यहाँ इसको पहले मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, और मुसलसल इसके अंदर मैं चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि चीनी का जब पकना शुरू होती है तो उसको दूध में लगने का डर रहता है कि वो जल ना जाए, और अगर ये जल गया तो आपका कंडेंस मिल्क ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको मुसलसल चमचे को चलाते रहेंगे, इसके अंदर स्टर करते रहेंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का सा क्रीम कलर में आना शुरू हो गया है। बहुत ही यम्मी बनता है कंडेंस्ड मिल्क, आप इसको घर में ही ट्राई करें, घर में ही बनाएं। ये देखें मुसलसल मैं इसमें चमचा चलाती जा रही हूँ, ये अभी इस कंडीशन पर आ गया है, अभी भी ये पतला है, हम इसको मुसलसल पकाते रहेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, अब मैं इसकी फ्लेम स्लो कर दूंगी और मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी, लेकिन मैं चमचा नहीं रोकूंगी, चमचा मुसलसल चलाती रहूंगी इसके अंदर। हमें ये इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, मतलब इसको एक गाढ़े फॉर्म में लेकर आना है, कंडेंस का मतलब ही होता है गाढ़ा होना, तो इसलिए इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, थिक फॉर्म में नहीं आ जाता। तो मुसलसल ये लो फ्लेम पर पक रहा है और मैं इसमें चमचा चलाती जा रही हूँ। अब देखें ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको भी लो फ्लेम पे पकते हुए, तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इतना ही लिक्विड ही चाहिए ये, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा, तो हम इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे, ये गर्म है तो ये इस तरह लिक्विड ही है। अब ये इस फॉर्म में आ गया है कि अब ये थिक हो जाएगा, बहुत अच्छा सा बनेगा और बहुत यम्मी सा, तो इसको फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं, तो 5 मिनट तक हम इसको रखकर ठंडा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना थिक फॉर्म में ये तैयार हुआ है, और बहुत ही यम्मी भी बना है।
आप भी इसी तरीके से बनाएं और हमें अपना फ़ीडबैक दें। अगर आपको इस रेसिपी से, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह आने वाली हर नई रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और गाढ़ा, बिल्कुल थिक कंडेंस मिल्क रेडी है। इस रेसिपी को आप घर में बनाएं और अपने मीठे तैयार करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।